हाँ माँ। निशांत बेटा क्या कर रहा है? कुछ नहीं मम्मा, बस गाना बना रहा हूँ, सुनोगे? अरे मेरे म्यूजिशियन, तो गाना ही बनाता रहेगा या कोई सुनने वाली भी लाएगा उस गाने को? मतलब ये कि कब से सपने देख रही हूँ कि तेरी शादी हो और घर में एक छोटी सी बहू आए। भाई साहब गोलमाल है। अरे मम्मा, आपको कोई गाना सुनाई दिया? गाना? कौन सा गाना? देख तू बात बदलने की कोशिश मत कर, अभी तेरी सही उम्र है शादी के लिए और तू मान जा। नहीं मम्मा, मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी है। ये भगवान, मैं क्या करूं, तुझे कैसे समझाऊं? रुक, मैं अब गौरव से ही बात करती हूँ, वही तुझे समझाएगा। चुपड़ी चुपड़ी चाची, चुपड़ी चुपड़ी चाची। हाँ चाची, बोलिए। जय श्री कृष्णा, क्या कर रहा है बेटा? कुछ नहीं चाची, ऑफिस का काम, बस प्रेजेंटेशन बना रहा था। अच्छा सुन ना बेटा, निशांत भी लाइन पे है, जरा सा उसको बता ना, वो शादी के लिए मान ही नहीं रहा है, तो उसको समझा कि तेरी शादी के बाद तू कितना खुश रहने लगा है। गोलमाल है भाई सब, गोलमाल है। चाची आपको कोई गाना सुनाई दे रहा है क्या? गाना? फिर से कोई गाना? अरे सुडानी जी, ये आपके लाडलों को हुआ क्या है? जब भी इनसे शादी की बात करती हूँ इन्हें कोई गाना सुनाई देने लग जाता है। अरे हाँ, ये गाना तुम्हें सुनाई नहीं देगा, ये गाना सिर्फ हम मर्दों को ही सुनाई देता है। हे भगवान। अरे गौरव छोड़ इनको ये सब चीजें, तो तू पहले इसको निशांत को समझा कि तू अपना बता कि शादी के बाद जिंदगी कितनी सुधर जाती है, प्लीज उसे समझा बेटा। हाँ सुधर तो जाती है। अब सुन निशांत, अब गौरव ने भी तुझे समझा दिया है, एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया हुआ है, पटना से रिश्ता आया है, लड़की IIM से पढ़ी हुई है और डिलॉयट में ही जॉब कर रही है, प्लीज एक बार जाके उससे मिल ले। अरे मम्मा अब आप इतना कह रहे हो तो मैं एक बार देख आता हूँ। चल ठीक है बेटा। A few moments later. मेरा नाम है कैलेंडर, मैं कल चला किचन के अंदर। चुपड़ी चुपड़ी चाची। हाँ चाची बोलिए। हेलो गौरव, बधाई हो, निशांत मान गया शादी के लिए। क्या इतने जल्दी? मरेगा ये भी। क्या? नहीं नहीं सॉरी, मेरा मतलब है कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक काम करता हूँ, मैं निशांत को भी कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेट कर देता हूँ, ठीक है? चलिए बाय। क्या हो गया इसको, कल तक तो ना कर रहा था, आप कैसे हाँ कर बैठा इतने जल्दी? तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। हाँ भाई। ओए बाड़ा हो गया के, तेरे को दिखता नहीं कि अपनी भाई की हालत शादी के बाद जो इतने जल्दी हाँ कर बैठा? क्या बताऊं भाई, शादी के बारे में मेरी ओपिनियन ही चेंज हो गई है। ऐसा हुआ क्या कि तू एक ही बार में हाँ कर बैठा? क्या हो गया अभी बताता हूँ, आप सबको बताता हूँ। मम्मी मैं रेस्टोरेंट पहुंच गया हूँ। Hi, I'm Vedika.